कहाँ मिलने गए थे? दिनेश प्रताप सिंह के। क्या मामला था? जे हम लोग अंडर एज पीआरडी जवान थे, एक हफ्ता पहले उनसे मिले, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे, अधिकारी से बात किया। आज फिर हम लोग मिलने गए तो उनके जो पीए हैं वो बोले कि अभी आप लोग बैठिए, मंत्री जी से अभी हम बात करके आपको बताते हैं। फिर मंत्री जी से हम लोग दो तीन घंटे बाद मिले तो उन्होंने बोला कि हम आपके अधिकारी से बोल दिए हैं, दोनों अधिकारी से आपका काम होगा। कोई समय निर्धारित किया गया, मतलब कि हफ्ते 10 दिन या 15 दिन हो? नहीं जी, कोई निर्धारित नहीं किए, बोले कि आपका काम हो रहा होगा जल्दी। अच्छा अच्छा जी, कौन कौन गया था, कुछ लोगों नाम बता दीजिए। हमारे साथ छोटे लाल मौर्या जी हैं, हमारे साथ राजेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ अभय प्रताप सिंह हैं, शिव भजन सिंह हैं, इस तरह हमारे पास 10-12 आदमी थे, 15 आदमी। तो इसके आज जैसे मिल ले गए जी, और अगर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो? जी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरे अंडर एज जवान मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी ड्यूटी मांगेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री से मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमारा नाम छोटेलाल मौर्या है, डी ब्लॉक अंडर एज में हमका निकाले हैं और 35 साल हमका नौकरी करत हो गए सर, ड्यूटी करत रहे हैं, अंडर एज में निकाल दिया गया है, 1.5 साल से ड्यूटी नहीं मिल रही है अब। तो आज मंत्री से मिलने गए थे, क्या हुआ? मंत्री जी से मिले गए तो उनके एक पीए बताए नहीं कि घंटा दो घंटा बाद हम बता रहे हैं, बात करके आश्वासन दिया है, हम लोग बाहर बैठे रहे गेट पर। मंत्री जी से मिले, मंत्री महोदय से मिलत गए नहीं, फिर बताए नहीं कहीं कि हो जाएगा काम, हम बात किए हैं, बात 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 कही नहीं, बात चल रही है। हाँ बात चल रही है, बात चल रही है। हाँ, अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन, अगर ये चीज नहीं हो रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, सब पीआरडी के लिए मांग रहे हैं। हाँ, हक के लिए। कैसा करो, नौकरी करत होगी? नहीं नौकरी 30 साल हो गए, 93 की भर्ती है सर। हाँ 30 साल। तो अब जीवन कैसे यापन हो रहा है, जीवकोपार्जन कैसे हो? अरे कठिनाई तो सर बहुत है, अब बच्चे सब बड़े हो गए, शादी ब्याह करे लायक है, बताओ वर्दी उतार के हम अब इतनी उम्र में हम कहाँ जाएं हम लोग, बच्चे परेशान हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इसी विभाग में रह करके। हाँ कौन कौन आया है साथ में? साथ में 15-20 जने हैं, सब साथ है।